हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो है XPX 1210 जो कि आउजा का 1000 वाट का स्पीकर सिस्टम होता है। और इस वीडियो में आप देखेंगे इस वाले टॉप का साउंड टेस्टिंग जो कि आउजा के ही पावर एम्पलीफायर पर चल रहा है। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके वर्तमान प्राइस के बारे में कि अगर आप इसे न्यू लेते हैं तो आपको कितना प्राइस पड़ सकता है। साथ ही साथ इसके लिए जो हम एम्पलीफायर का यूज कर रहे हैं, क्या वो एम्पलीफायर इसके लिए परफेक्ट रहेगा, तो चलिए बात करते हैं इस मैटर में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, इस सेटअप का जो साउंड टेस्टिंग वीडियो है हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स में से एक भाई ने किया है जिनका नाम कृष्णा है जो कि झारखंड के रहने वाले हैं। तो भाई का दिल से शुक्रिया क्योंकि इन्होंने अपने सेटअप का डिटेल्स हमें व्हाट्सअप किया था। तो बात करते हैं यहाँ पे इस सेटअप के बारे में। तो इस सेटअप में आपका 4 टॉप रहेगा XPX 1210 और इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं। 15 इंच के स्पीकर सिस्टम में ये सबसे पावरफुल टॉप है। 1000 वाट आरएमएस पावर होता है, 2000 वाट इसका प्रोग्राम पावर होता है क्योंकि इसमें 500 वाट के लो फ्रीक्वेंसी स्पीकर लगे होते हैं जिसमें 4 इंच वॉइस कॉइल का यूज किया गया है जो कि काफी पावरफुल होता है। इसलिए आपको इसमें बहुत ही अच्छा बेस और पंच सुनने को मिल जाता है। टॉप काफी हैवी है और इसे चलाने के लिए जो है एलेक्सा 3200 का यूज किया गया है। सभी जानते हैं एलेक्सा 3200 जो कि एक 3200 वाट का पावर एम्पलीफायर है। पर चैनल इसका 1600 वाट आउटपुट है और क्योंकि यहाँ पे एम्पलीफायर जो है 4 ओम्स पे ऑपरेट होगा और 4 ओम्स पे आप इसका आउटपुट देख सकते हैं 1100 वाट पर चैनल। और यहाँ पे हम XPX 1210 के 2 टॉप चलाने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से वायरिंग रहेगा, चैनल ए पर हम 1 टॉप और चैनल बी पर टॉप, इस प्रकार से पर चैनल हमें 1 टॉप चलाना है। और दोस्तों, आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा ये जो सेटअप है एकदम परफेक्ट मैचिंग हो जाता है। इसे आप डीजे या फिर लाइव प्रोग्राम किसी भी प्रकार से यूज कर सकते हैं। एलेक्सा 3200 एक बहुत ही अच्छा पावर एम्पलीफायर है जो कि 1000 वाट से लेकर के 1200 वाट के आप टॉप इसमें आराम से चला सकते हैं। काफी अच्छे से चलेंगे और काफी लंबे समय तक चलने वाला ये सेटअप आपका तैयार हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे 4 टॉप है इसलिए आपको 2 एलेक्सा 3200 लेना पड़ेगा इस टाइप के सेटअप के लिए। और पर चैनल आप 1 टॉप चलाएंगे, 2 टॉप के लिए 1 3200 एम्पलीफायर और 2 टॉप के लिए 1 3200 एम्पलीफायर, इस प्रकार से यूज किया गया है। तो सेटअप काफी अच्छा रेडी हो जाता है इस प्रकार से। तो चलिए लगा लीजिए हेडफोन। हेडफोन लगाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो ऑडियो क्वालिटी है इस टॉप की वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। साउंड टेस्टिंग वीडियो जो है थोड़ा सा बड़ा है तो आप चाहे तो आधे बीच में स्किप कर सकते हैं साउंड टेस्टिंग वीडियो को, नहीं तो आप पूरा भी देख सकते हैं जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि इस टाइप का अगर आप ये सेटअप चलाते हैं तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं साउंड टेस्टिंग।
तो दोस्तों ये देखा आपने इस वाले टॉप का साउंड टेस्टिंग जो कि एलेक्सा 3200 के दो एम्पलीफायर पर चल रहा था। और यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा, अगर आप ओनली 1210 के चार टॉप चलाएंगे तो आपको बेस लगाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस टॉप में जो स्पीकर का यूज़ किया गया उसमें काफ़ी अच्छा बेस मिल जाता है। यहाँ पे HF की क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो ये एक अच्छी बात है। इस सेटअप में आपको अगर बेस नहीं चलाएंगे तो भी सही रहेगा, काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे इसके प्राइस की, तो 1210 के अगर आप अभी के टाइम पे एक टॉप लेते हैं तो आप 35,000 रुपए मान के चले, आपको मार्केट में कम में भी मिल जाएगा। आउजा डीलर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सही प्राइस के लिए, और अगर आप मेरे थ्रू लेना चाहते हैं तो मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको अपने नियरेस्ट आउजा डीलर से प्रोडक्ट मिल जाएगा। एलेक्सा 3200 इस एम्पलीफायर का प्राइस आप 38,000 रुपए के आसपास मान के चलें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करना, और अगर आप 1210 के टॉप का यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस नीचे शेयर जरूर करना कि इसकी क्वालिटी कैसी है और इसे चलाने के लिए आप कौन से एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। फिलहाल इस सेटअप में एलेक्सा 3200 का यूज़ किया गया है जो कि XPX 1210 के लिए मैं आपको फुल रिकमेंड करता हूं। अगर आपके पास एलेक्सा 3200 है और अगर आप टॉप लेना चाहते हैं तो XPX 1210 आपको मैं रिकमेंड करता हूं, काफ़ी अच्छे से चलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस टाइप का डीजे सिस्टम से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।